है सुबह सुबह से चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही है क्योंकि उसके बाल अच्छे नहीं बन रहे हैं। वो बोल रही है कि आप सब बोलोगे कि आरना के पास एक ही हेयर स्टाइल है। अब आरना का एक हेयर स्टाइल थोड़ी है, अभी ये तो देखो फुल बाल है ना, अभी एक हेयर स्टाइल कहाँ से हुई। तो इसको इस बात से है कि बस आप सब लोग बोलोगे, आप सब लोग नहीं बोलते ना ऐसा, नीचे कमेंट करके बताना आप सब लोग ऐसा नहीं बोलते कि आरना का एक ही हेयर स्टाइल है। मतलब इसको सुबह सुबह मतलब बाल बना के रेडी होके प्रॉपर आना है व्लॉग में। व्लॉग तो देखो मैं ऐसे ही शुरू कर दे रहा हूँ, मेरे बाल कौन से एकदम हाँ सेट हो रहे हैं वैसे तो। वेलकम बैक टू आवर चैनल, और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और देखिए कितना मस्त वेदर हो रहा है पीछे, ये देखिए कितना मस्त वेदर हो रहा है। अभी एकदम फुल बारिश का मौसम हो रहा है बाहर, और जैसे कि आप सभी ने देखा आरना जो है बाल के पीछे उसने सुबह सुबह ऐसे नाटक किया और देखिए वह मस्त बाल बना के आ चुकी है। तो अभी आप नीचे कमेंट करके मत बताना कि हेयर स्टाइल आरना के पास एक ही है, ठीक है, नीचे कमेंट मत करना। ये आरना सुबह सुबह देखिए कैसा मासूम बच्चा जैसा बन के आ गई है क्योंकि वो जस्ट अभी उठी है, और मैंने उसको सुबह सुबह ही बता दिया कि आज हम लोग 2:30 पर लाइव जाने वाले हैं। तो उसका चेहरा ऐसा है कि क्यों जाना है लाइव, क्यों नहीं जाना तेरे को लाइव, क्यों नहीं जाना। खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया? YouTube चैनल का। कौन से चैनल का? ये वाले कौन सा चैनल का नाम बता। अच्छा तो आप नया चैनल शुरू कर रहे हो? है मेरा, बट उसमें सिर्फ 4 सब्सक्राइबर है। कौन से सब्सक्राइबर है तेरे पास, वो दिखा देना मेरे को चैनल। चैनल को आसपास देख लिया, अरे चैनल कहाँ पड़ा है, ऐसे देख रहे थे क्या चैनल कहाँ रखा है? पता चला चैनल ढूंढ रही है, अरे भाई चैनल कहाँ रखा है यार। जैसे कि आप सब पूछ रहे थे कि संडे को 2:30 पे ब्लॉग क्यों नहीं आए, आप सब लोग लाइव क्यों आए, एक्चुअली मुझे आप सभी को काफ़ी दिनों से बात करनी थी, आप सभी से बात करनी थी रिलेटेड टू सम टॉपिक्स। मतलब आप सब लोग भी नीचे कमेंट्स में पूछ रहे थे, मेरी भी कुछ जान पहचान में लोग थे जो मेरे को कमेंट्स दे रहे थे कि काफ़ी सारे, मतलब जैसे कि मैंने उस लाइव में आंसर किए हैं। अगर आप लोगों को लाइव देखना है तो ऊपर ही आई बटन है, यहाँ से जाके आप वो लाइव देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे तो मैंने उस लाइव में मतलब जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ मैंने सब लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दिया था कि मैंने क्यों व्लॉगिंग शुरू किया, मैं अभी क्यों व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और ये जो डेली व्लॉग्स हैं मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, और मतलब हमारे फ़न चैलेंजेस किधर हैं, फ़न चैलेंजेस भी आएंगे। तो मैंने सभी के आंसर लाइव में दिए हैं, तो ये आई बटन है, जाओ जाके देखो उस लाइव को। जैसे कि आज है संडे तो आरना जो है आज आरना ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाई, बताओ क्यों? संडे को ऑनलाइन क्लास होती है? नहीं, संडे को होती है ऑनलाइन क्लास, ट्यूशन में जो रहते हैं ना उनके ऑनलाइन क्लास होती है, जैसे मेरी हो रही थी। बायजूस से पढ़ रहे हम लोग जो संडे को एक्स्ट्रा क्लास होती है? नहीं, मेरी अनअकैडमी पे होती है, आई सपोर्ट अनअकैडमी। डू यू? व्हाई डोंट यू? ऐसे ही यू लव बायजूस क्योंकि उसमें जूस मिलता है इसलिए। अरे भैया तो आज मम्मी ने नाश्ते में बनाया है दाल पूड़ी पापड़ और अचार, अचार बनाया नहीं है। सो अभी हम आपको नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं लाइव, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं 2:30 पे लाइव जाऊंगा एंड ये रहा वो लाइव, तो आप लोग जाके लाइव को भी देख सकते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम पे तो अभी हम लोग लाइव जा रहे हैं बाहर। अभी हमारा अचानक से बाहर जाने का हुआ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। Is up when the booze is up, when the sun is down, enjoy the ride, get some pillows in the Chevy, hey, hey, just like a dolly, low, hidden heavy, hey, hey, take your time, let me know when you're ready, hey, hey, couple months I've been messing with your spending, hey, 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 मलाड मार्केट, मलाड का स्टेशन मार्केट, क्योंकि हमें थोड़ा सा और सामान लेना था घर का, तो अभी हम इसलिए हमने सोचा यहीं आ जाते हैं, ये बेस्ट मार्केट है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है वो भी एकदम कम प्राइस में, तो हम यहीं पर आ गए। हेलो
फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर पर आ चुके हैं और अभी बज रहा है रात के 7:30, शाम के साढ़े सात। और मैं मतलब गया था घर से 5 बजे गया था और अभी 7:30 बजे घर से वापस आया, क्योंकि आज संडे था, आज लॉकडाउन रहता है अपना मुंबई में। लेकिन फिर भी हम लोगों को आने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा सामान दे रहे थे तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। और अभी हम लोग घर पर आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ एडिटिंग करता हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद देखते हैं। तो मैं पहले एडिटिंग करता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो मम्मी अभी भिंडी काट रही हैं, रात में आपके एक भिंडी बनाने वाले हो? नहीं, सुबह शूट पे जाना है ना आपके। अच्छा हाँ गाइस, मैं आप लोगों को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे कि आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है अ बिग सरप्राइज इन द एंड, तो वो सरप्राइज ये है कि कल मैं एक शूट पे जा रहा हूँ, वो भी एक मूवी शूट पे। एक्चुअली मेरा कल एक मूवी का शूट है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा स्नैक्स लेने गए थे, एक बास्केट लेने गए थे। तो मैं मूवी की कल शूट पे जा रहा हूँ एंड वो मूवी मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक हिंट दे सकता हूँ। ये जो मूवी है ये अनुपम खेर सर के साथ मूवी है। आई एम रियली सो एक्साइटेड टू डू अ मूवी विथ हिम एंड बहुत ही मज़ेदार मूवी है। मतलब जैसे कि मेरे को स्क्रिप्ट आ चुकी है, मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, लेकिन कल मैं उस शूट के लिए जा रहा हूँ, तो उस वजह से आज हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने गए थे। और आज का ब्लॉग इसलिए काफ़ी छोटा बना है, लेकिन ये सरप्राइज़ मैं आप लोगों को देना चाहता था कि आप, मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मैं मूवी शूट करने जा रहा हूँ, वो भी अनुपम खेर सर के साथ। ही सच अ ग्रेट एक्टर, द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड। मतलब उन्होंने कितनी सारी मूवीज़ की हैं, उनके साथ मूवी शूट करने जाना, आई एम रियली सो एक्साइटेड फॉर द शूट। एंड कल देखते हैं, कल तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन कल व्लॉग नहीं आ पाएगा क्योंकि मूवी शूट पर मैंने उनसे पूछा था कि मैं व्लॉग बना सकता हूँ क्या, तो उन्होंने बोला था नहीं व्लॉग नहीं बना सकते, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पर क्लिप्स निकालने की और आप लोगों को दे सकता हूँ तो दे दूँगा। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से एक बात बोलना चाहता था कि जैसे कि YouTube पे मेरे नाम पे अभी काफ़ी सारे फेक चैनल्स बन रहे हैं, आरना के नाम पे भी फेक चैनल्स बन रहे हैं, और वो लोग हमारी वीडियो को थोड़ा सा कट शट करके वीडियोस पे अपना उनकी वीडियोस पे डाल रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। या फिर जो भी फेक चैनल्स हैं, जैसे कि हमारे जो फैन क्लब के चैनल्स हैं वो हमारे शॉर्ट्स निकाल कर अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। और उनका मोनेटाइजेशन हो रहा है, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा, वो लोग हमारी वीडियोस से अपना अर्न कर रहे हैं। उन मतलब एक का तो 1 मिलियन हो चुका है, उसने भाई प्ले बटन पे अपना नाम लिखवा दिया और चैनल का नाम कुछ और ही, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन उसने 1 मिलियन कर लिए। मैं सच्ची यही सोचता हूँ, मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं हमारी वीडियोस से, वो लोग अपना कर रहे हैं। और आप लोगों को ऐसा कोई भी अगर चैनल मिले तो प्लीज़ उन चैनल्स को रिपोर्ट करिए जितने हो सकें। हमारा सिर्फ एक ही चैनल है और वो ये चैनल है, और इसके आगे आप लोगों को एक बैच भी दिख रहा होगा, तो ये बैच होता है वेरीफाइड का। तो अगर आप लोगों को ऐसे कोई भी चैनल मिले जिस पे ऐसा वेरीफाइड बैच नहीं है, तो समझ जाना वो नकली चैनल है। और आरना के नाम से भी कितने फेक चैनल्स बन गए, मैंने आरना भदौरिया सर्च किया, कम से कम मैंने 10-20 मैंने चैनल्स देखे जो आरना भदौरिया के नाम से थे। तो प्लीज़ ऐसे चैनल मत बनाओ। और इंस्टा पर भी अगर आप मेरे जैसे फेक अकाउंट बना रहे हो तो प्लीज़ भाई मत बनाओ यार, एक ही अकाउंट है मेरा, मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है अभय भदौरिया के नाम से, और एक ही आरना का अकाउंट है आरना भदौरिया के नाम से, तो प्लीज़ सिर्फ उन्हें ही फॉलो करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने न्यूज़ सुन के कैसा लगा? हां, वॉशिंग मशीन से डॉगी निकाल दो। क्या पिल्लू वाला डॉगी? हां, पिल्लू कौन सा है? अरे तूने डॉगी फंसा के रखा है वॉशिंग मशीन में, पागल लड़की। सो फ्रेंड्स, ये कोई रियल डॉगी नहीं है, ये हमारा मतलब ये वो है, फिर क्या बोल सकते हैं इसको, पिल्लो टाइप है, सॉफ्ट टॉय ये इतना बड़ा, ये एकदम रियल, एकदम रियल डॉगी जैसा दिखता था ये। मतलब पहले बहुत मोटू था ना, बहुत, हमने उसको डाइट करा के पतला कर उसको हम सोते थे, मेरे को लगा ना रियल डॉगी ढूंढते हैं। नहीं,
हमने व्लॉग में बोला भी था एक वो चाहिए हमको। हाँ हमने बोला भी था कि हमें डॉगी चाहिए। ये रहा वो डॉगी। धुल क्या आ गया? धुल क्या आ गया? कोरोना की वजह से धुल क्या आ गया? अपने डॉगी को भी वीडियो दिखाओ कि अगर आपने आपको ज्यादा तंग किया तो आप वॉशिंग मशीन में धोओगे। क्लीन करेंगे एक डॉगी का तो आपको हमारे जाओ पिल्लू। भाई 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 क्या हुआ? प्रेस के कपड़ों भी गिर गया। फ्रेंड्स आरना को मिल चुका है उसका फेवरेट मैगी मसाले का स्टॉक पूरा। कितने दिन चलेगा स्टॉक? 12 दिन बस? नहीं 13 दिन। क्यों 13 दिन? क्योंकि इसमें 13 वो पाउचेस। अच्छा 13 पाउचेस है। अब तो बिट्टी की अब तो बिट्टी रोज ऐसे शॉट जैसे पी रही है। नहीं हां यार एक दिन में पूरा नहीं, मतलब एक दिन में ये पूरा नहीं खाते मैं, आधा आधा करके ऐसा। अरे वाह बेटी मजे लेके। मेरे पास एक और अभी खुला पड़ा है मैं लेके आती हूं। अच्छा अच्छा ये रहा वो मैगी मसाला। हां हां बेटी तो मतलब मैगी मसाला एडिक्टेड है ना हमें। इसे एमएमएस चाहिए रहता है मेरे को। एमएमएस क्या होता है? मैगी मसाला शॉर्ट्स। अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर और डिनर में मम्मी ने बनाया है पुलाव और ये कचुंबर सलाद और चटनी। हम लोग आपको खाने के बाद मिलते हैं। A few moments later. So friends, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और आज मैं इसलिए जल्दी सो रहा हूँ क्योंकि कल मेरा 6:30 का कॉल टाइम है। तो इस वजह से क्योंकि कल शूट पे जाना है मेरे को। और अरुणा तू चलेगी कल शूट पे? नहीं क्योंकि अरुणा तो लेट उठती है ना। तो तू सीधा सेट पे आ जाना ठीक है। अनुपम खेर सर ने मिलने के लिए एक्साइटेड है। Yes. तो चलो गाइस इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों का हमारा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी दबाइए। घंटी और जो भी आपके क्वेश्चंस हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप लविंग अस, कीप वॉचिंग अस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।